तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 0-18 10 एम्पीयर में ट्रांसफार्मर जो कि प्योर कॉपर में है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा यहाँ पे इनपुट है 220 वोल्ट और इधर के साइड हमारा आउटपुट है 0-18 10 एम्पीयर में है। तो यहाँ पे मैंने देखिए आप ब्रिज रेक्टिफायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है और कैपेसिटर भी लगा दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। आइए इसका कनेक्शन देखते हैं कैसे कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है और यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा हुआ है जो कि ओरिजिनल सैमवा का है 10000 माइक्रोफैराड में 50 वोल्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसी वायर आकर कनेक्ट हो गया है क्रॉस में, मतलब एक इधर आगे तो उधर साइड में पीछे। और यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ से एक वायर गया है उधर, इधर देखिए प्लस का मार्क है तो प्लस पे गया है प्लस वाला, और इधर माइनस है तो माइनस वाला उधर साइड में माइनस पे गया है। और दोनों का मैंने वायर यहाँ से आउटपुट में ले लिया है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, मैं इसका आपको वोल्टेज और एम्पियर दोनों चेक करके दिखाऊँगा। तो अगर आपको ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करके आप ये ट्रांसफार्मर ऐसा आप मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 वोल्ट और 10000 माइक्रोफैराड में ये हमारा कैपेसिटर है ओरिजिनल सैमवा का। तो इससे मैं बनाने वाला हूँ वेरिएबल पावर सप्लाई। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही मज़दार वीडियो आने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देख सकते हैं ये कैपेसिटर का अप्रोक्स 2.5 इंच का हाइट है और इसका गोलाई भी है, यानी कि मोटाई 1 इंच के आसपास है। तो देख सकते हैं ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस का आउटपुट है। तो इसे 220 वोल्ट में मैं लगाता हूँ और आपको आउटपुट चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने लगा लिया है 220 वोल्ट में जो कि डायरेक्ट हमारा मेन लाइन का है, और देख सकते हैं आप और इसमें पावर आ चुका है। तो आइए मल्टीमीटर लगाकर इसका वोल्टेज चेक करते हैं। मैं आपको पहले इसका इनपुट का वोल्टेज दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं आप इनपुट इसमें आ रहा है 230 231। एक सेकंड, हिल गया है तार यहाँ पे। तो और देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है 17.5, यानी कि 17.5 वोल्ट के आसपास बना रहा है अभी आउटपुट में एसी। और डीसी में देखिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ 24 वोल्ट बना रहा है डीसी में, और जब इस पर लोड देंगे तो ये कुछ घटकर 22 के आसपास चला जाएगा, क्योंकि जब एसी से हम लोग डीसी में चेंज करते हैं तो पहले तो ब्रिज रेक्टिफायर से थोड़ा सा वोल्टेज डाउन होता है, पर जब कैपेसिटर यूज करते हैं उसमें तो 1.33 इंटू हो जाता है वोल्टेज। तो देख सकते हैं आप शॉर्ट लगाने पर देखिए 11 एम्पियर तक चला जा रहा है। तो ये देखिए मैंने सीरीज में एम्पियर मोड पे मल्टीमीटर को सेट करके रखा है और देखें आप 11 एम्पियर तक चला जा रहा है। और इससे मैं ऐसा वेरिएबल पावर सप्लाई बनाने वाला हूँ। तो सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है, बस वीडियो आएगा कुछ ही दिनों में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए। और उसमें वोल्टेज का रेंज होगा 1.3 से लेकर 24 वोल्ट तक, और आप बना सकते हैं उसमें ट्रांसफार्मर यूज करके 36 वोल्ट तक का। तो ये देखिए ये ड्रिल मशीन है, ये भी वीडियो चैनल पे आ जाएगा कुछ ही दिनों में। तो अभी ये इनकम्प्लीट है, तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं 775 मोटर से ड्रिल मशीन कैसे बनाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कनेक्टर लगा लिया है। ओह माय गॉड, मोटर झटका से चालू हुआ तो मैं डर गया। और ये आप देख सकते हैं ये विदाउट लोड दे रहा है 0.23 एम्पियर, और यहाँ पे मोटर का मैंने साउंड कम कर दिया है ताकि आप हमारे आवाज़ को क्लियर सुन पाए। तो यहाँ पे मैं इसे खोल लेता हूँ और देखते हैं इसमें कनेक्ट करके लोड देकर देखते हैं कि कितना एम्पियर ये घिसता है लोड देने पे, और इसे ट्रांसफार्मर का भी टेस्टिंग हो जाएगा और मोटर का भी कि कितना एम्पियर लेता है ये लोड करने पर। तो देख सकते हैं आप, ये 8.76 एम्पियर तक चला गया था, अप्रोक्स मान के चलिए 9 एम्पियर तक। और तो आप ड्रिल मशीन का वीडियो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और ये ड्रीमर टूल है, और एक ड्रिल मशीन का भी वीडियो मैं दे दूंगा जिसमें बड़ा वाला ड्रिल चक रहेगा। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।